ये जो ड्रम आपको नजर आ रहा है ना, ये बेसिकली पानी का ड्रम नहीं है, ये रानी पेट्रोल यहाँ पे बिकता है। आप जा सकते हैं, देखे किस तरह से लोग इंजॉय कर रहे हैं। इस रोड पे आना है, सबसे पहले तो आपने सेफ्टी करनी है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे बारिशों में पुली बह जाते हैं। ये बाबे बलूचिस्तान आप देख सकते हैं, ये देखें ओवरटेक कर रहे हैं, ये देखें, ये देखें, देखिए हम अपनी लोकेशन पर पहुंच गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मेरे भाइयों, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। हम आज जा रहे हैं पटोरा बीच। हम आज जा रहे हैं पटोरा बीच, ये कराची से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है, बलूचिस्तान की तरफ पड़ता है वो रास्ता। और हम आपको रास्ते की कंडीशन भी बताएंगे, इस वक्त करंटली कंडीशन क्या है, अपनी 150 पे जाएंगे और रास्ते के मनाजिर भी आप सबको दिखाएंगे, इंजॉय करते जाएंगे और उम्मीद करेंगे आप भी हमारे साथ इंजॉय करेंगे। गुलबई से शेरशाह वाले साइड पर हम टर्न हो रहे हैं और यहाँ से आप जाएंगे सीधा और आपको कहीं नहीं जाना, इसी रोड के बिल्कुल सीधे रखना है। और ये पुल बेसिकली इसको डालडा का भी पुल भी कहते हैं क्योंकि नीचे डालडा की कंपनी है। यहाँ पर ये सईदाबाद कराची पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, PTC सईदाबाद। यहाँ पर हमारे नौजवानों को ट्रेन किया जाता है, पुलिस के नौजवानों को। हमारे कुछ साथियों ने भी यहीं से ट्रेनिंग हासिल की है। और उल्टे हाथ पे आप देख सकते हैं कि आप हमारे पास एयर बेस मौजूद है, जो कि यहाँ वो वहीं शेरशाह से स्टार्ट होती है जो कि अब तक कंटिन्यू है। और इसी तरह से फिर आप अपने सीधे हाथ की तरफ देख सकते हैं कि मुआज गोट है, ये मुआज गोट कहलाता है, जो इसके बाद फिर नेवल कॉलोनी आएगा और उसके बाद फिर हब चौकी आएगा। ये आ गए टूल प्लाजा, ये हम लोग जा रहे हैं, ये हमारे पास आयल की गाड़ी। हम बलूचिस्तान में एंटर हो चुके हैं और हब चौकी आने वाला है। ये जो ड्रम आपको नजर आ रहा है ना, ये बेसिकली पानी का ड्रम नहीं है, ये रानी पेट्रोल यहाँ पे बिकता है। ये आप देख रहे हैं, ये रानी पेट्रोल यहाँ पे बिकता है सस्ता, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे पेट्रोल है वो महंगा है और जो बलूचिस्तान की हदूद से पेट्रोल आता है ईरानी पेट्रोल, तो सरहद के बाहर वो पेट्रोल भरा इंतहाई जो सस्ता होता है, तकरीबन यहाँ के लोग जो है ना ईरानी पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। और हमें क्या मालूम, हो सकता है कि हम भी अपने ईरानी पेट्रोल इस्तेमाल करते हों पंप के थ्रू। बेसिकली ये हमें मालूम नहीं है कौन सी नदी है, लेकिन ये एक नदी है। ये पकौड़ा बीच नहीं, बेसिकली हम पटोरा बीच जा रहे हैं और ये नदी है। बेसिकली ये साफ पानी और गंदा पानी दोनों मिलाकर है, या आप इसको साफ पानी ना समझे, ये गंदे पानी के साथ भी, नालों के साथ ये साफ पानी भी आ रहा है। मैं नहाने चला जाऊं? ये नहा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कहते हैं बेहता पानी हमेशा कहते हैं साफ पानी होता है, तो ये साफ पानी भी है। आप जा सकते हैं, देखे किस तरह से लोग इंजॉय कर रहे हैं, लोग अपने ये बच्चे, ये प्यारे से बच्चे यहाँ से छलांग लगाएंगे। आप छलांग लगाओगे? मरना तेरे को डर नहीं लगता? अगर आपने इस रोड पे आना है, सबसे पहले तो आपने सेफ्टी करनी है, क्योंकि अभी जब मैं बाइक राइड करके आया हूँ तो बड़ी मुश्किल से जो है ना रास्ते में, तो लोग जो है वो गधे घोड़े की तरह रोड क्रॉस कर लेते हैं और दूसरा पत्थर पड़े हुए। अगर आपको अपनी जान से प्यार है तो आप आंखें खास तौर पे खुल के रखिएगा और ग्लव्स का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा। अरे ए, मारो इसको। तो यहाँ पर आप देखें, ये वाला जो पुल है, ये पुल अब तक बंद है। ये पुल लास्ट टाइम कुछ बारिशें हुई थी खतरनाक किस्म की, उसमें ये पुल बह गया था। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे बारिशों में पुली बह जाते हैं। जितना पैसा अंदर किया है उसके आधे का भी काम करते तो पब्लिक खुश हो जाती। ये बाबे बलूचिस्तान है, आप देख सकते हैं बलूचिस्तान की हदूद है। अभी यहाँ से कोई मोहरम का जुलूस गुजर रहा होता तो बना देते। बात तो सही है। सिंध को बलूचिस्तान से मिलाने वाला ये रोड है, लेकिन यहाँ पर जो रोड है वो सिंगल रोड है, जिसकी वजह से आए दिन इस रोड पर हादसा होते रहे। ये देखें ओवरटेक कर रहे हैं, ये देखें उसको कोई गर्ज नहीं है। अबे पागल हो गए क्या यार, ये पकोड़े के बीच के चक्कर में हम लोग खुद पकोड़े बन गए भाई। ये कितना तुम्हारा पकोड़ा बीच, नाम बताते बताते पहुंच जाएगा। तुमने हमारा पकोड़ा बना दिया रे बलूचिस्तान में लाके। हमारे यासिर भाई है, अभी 1.5 किलोमीटर हमने कराची से यहाँ तक जो है ना, 1.5 किलोमीटर क्या नहीं बोला तूने, एक पहले क्या बोला, चल। ये हमारे यासिर भाई है, हमने कराची से यहाँ तक 1.5 घंटे बाइक चलाई है, अभी से थक गया। बच्चा 1.5 घंटे में प्यास नहीं लगती पानी की, लेकिन एक बार 1.5 घंटा इतनी गर्मी में हीट स्ट्रोक चल रहा है। तुम्हारी तरह महात्मा गांधी बैठ गए होते घर में बीवी बीवी बेटा बेटा करते हुए, तो तुम आज भी किसी अंग्रेज के घर में लेटरिन साफ कर रहे होते। अभी भी 5 किलोमीटर सीधा फिर उल्टे आते हो, क्या पकौड़ा निकाला तुमने यार। यहाँ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर एक मोड़ आएगा, हमें उल्टे हाथ पे टर्न मोड़ना है। 2 hours later. अंदर 8 से 10 किलोमीटर इस रोड के अंदर और मजीद जाना है। जाँ, जाँ, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक।
ये बेसिकली आप देख सकते हैं पोखाड़ा बीच है, ये पोखाड़ा बीच है। तो बात दरअसल ये है कि हम अपनी लोकेशन पर पहुंच गए, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन हमें भाई ऐतिहासिक तदाबीर हमारे पता है, वो पार्किंग वाले भाई ने भी बता दिया, बोला ज्यादा आगे नहीं जाना और पत्थरों से भी बचना। अच्छा, अगर बात की जाए तो बलूचिस्तान खूबसूरती के ऊपर खत्म और पगोड़ा बीच में वाकई क्या, अगर जो बंदे बाहर सैर तफरी के लिए नहीं निकले, मैं उनको खुद कहता हूँ कि वो निकला करें, क्योंकि दुनिया इंतहाई खूबसूरत है और ख़ासतर बलूचिस्तान। आई लव बलूचिस्तान। पोखाड़ा बीच इंतहाई खूबसूरत, पहाड़ों के बीच में ढका हुआ है फैसल। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। जबरदस्त यार, जबरदस्त यार। देखो हम यहाँ पर तो आ गए, यहाँ पर मैंने सुना एक जगह पे जहाज होता है किनारे पे। हाँ, जहाज ब्रुक होते हैं। हम जहाज देखने भी चले। चलें जहाज जहाज तोड़ते हैं, वहाँ पर चलने। मस्त प्लान है। ये देखें किसे काफी पहाड़ी रास्ते, काफी मुश्किल रास्ते यार ये देखो कितना, लेकिन घूमने फिरने में इंतहाई मजेदार है। हाय माय, हम मजेदार। खामोशी, लहरों की एक खूबसूरत से आवाज़ आपके कानों को महसूर कर रहे हैं। ये किसी घर तो नहीं है? नहीं भाई, ये घर तो नहीं लग रहे मुझे, कोई हट टाइप पे लग रहे हैं। अच्छा ये देख रहे हैं गाइज, ये गेस्ट हाउस हैं, गवर्नमेंट के ही हैं, तो ये अभी भी अवेलेबल होते हैं या सिर्फ ऐसे ही हैं? खंडराट बने हुए हैं, सील हो गए हैं ना? सील हो गए हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे कोई मेंटेनेंस नहीं है, सब कुछ सन्नाटे लगे हुए हैं। अच्छा, तो बस ये गाइस ये देख सकते हैं, ये गेस्ट हाउस हैं। नॉर्मली यहाँ पर गवर्नमेंट ने फैसिलिटी भी दी थी कि यहाँ पर लोग आएँ अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, कुछ और मामला की वजह से ये सील कर दिया, अब ये खंडराट की शक्ल बन गए। इसको गिरने का वजह से एसी ने देख लिया ना, फिर सील कर दिया। अच्छा, असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने यहाँ पे ये छत गिरी थी, इसके बाद से इसको सील कर दिया कि भाई ये आप रहने के काबिल नहीं है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे जान को नुकसान हो सकता है, इसलिए इसको सील कर दिया गया है। और ये देखें इसके हालात ये हो गए, और मैं गवर्नमेंट से गुजारिश भी करेंगे कि इसको बहाल करें ताकि लोग आएँ, लोग इन्जॉय भी करें, क्योंकि इनका सारा दारू मदार इन कमाई का यहीं कहीं है, ये यहीं से कमाते हैं, यहीं से खर्च करते हैं। मेरा 50% डोंट फॉरगेट। अबे तेरा 50% पक्का, मेरा 50%, बाकी बच्चे लोग। भाई अभी हम गए थे गेस्ट हाउस, वहाँ पर एक चाचा थे यासिन भाई, ने उनका इंटरव्यू लिया। यासिन भाई कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करते हैं कि ये गेस्ट हाउस चलाया जाए ताकि फिर यहाँ पर लोग आए और वो चाचा की रोजगार लग जाए, उनकी आमदनी बढ़े। तो चाचा ने ना ऐसे ऐसे जेब खोल के दिखाया कि यार पैसा सुबह से एक रुपया भी नहीं हुआ, उसके कह रहे थे कि यासिन उसको देगा कि 150 रुपये। यासिन ने इंटरव्यू तो आधे घंटे का लिया लेकिन कुछ भी नहीं दिया। ए, मेरे पास पैसा नहीं है। हम लोगों ने कोशिश की कि इनका इशू को आवाम को बताएं, गवर्नमेंट तक इसका इशू पूछें ताकि इनके लिए भी रोज़गार हो। हम भिखारी नहीं बनाना चाह रहे थे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे अडानी का ब्रेकिंग शिपयार्ड है, यहाँ पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रेकिंग शिपयार्ड है। यहीं पर आप तो शायद मालूम हो कि इटली से जो दो बड़े से क्रूज आए थे, बड़े से शिप्स आए थे, जिनके बारे में बताया गया था कि हम ये शिप को या तो शॉपिंग मॉल या किसी तफरी मकाम में तब्दील करेंगे, और गवर्नमेंट ने मना किया, अलाउ नहीं किया था कि हमारे पास जगह नहीं है, वो यहीं पे तोड़े गए थे। क्या बात कर रहे हैं? ये देखें आप आज का खूबसूरत मनाज़िर, खूबसूरत शाम, सनसेट, खूबसूरत सनसेट, ये सूरज अपने आखिरी मराहिल में, और आज का खूबसूरत सा दिन हमने आज इस खूबसूरत बीच में गुजारा है। आप देख सकते हैं किस तरह से खामोशी, सिर्फ इन लहरों का एक शोर और पुरसकून हवा दिल को इतना सुकून दे रही है। दिमाग को पता है हम पूरा महीना काम करते हैं, दिमाग पर इतनी टेंशन होती है और यहाँ आके माइंड फ्रेश हो जाता है। एक हमारे दोस्तों से जो मुलाकात होती है, फिर हमने जो बाइकें लिए, बाइक का सफ़र और ये पुरसकून जगह, शहर से काफ़ी दूर, डकैतों से बच बचा के हम यहाँ पहुँचे तो गेम बचाना पड़े। और ये है हमारा पोखाड़ा बीच बलूचिस्तान। तब तक के लिए अगले ब्लॉग में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। É difícil quando seu esforço é alto, a sua recompensa é baixa. Mas o que você...